फैट लॉस एक ऐसी चीज है जो हमें मेंटली और फिजिकली बहुत चैलेंजिंग लगती है। इस दुनिया में कोई कोई लोग हैं जो इसे हासिल कर पाते हैं और कोई कोई दे जस्ट कांट डू इट। तुम कितना भी डाइट कर लो, कितना भी कार्डियो कर लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, बट नथिंग सीम्स टू वर्क। इट फील्स लाइक यू आर स्टक। और फिर आप लोगों को लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो मेरे से कभी हो ही नहीं पाएगी, और फिर आप लोग आपका मोटिवेशन खो देते हो। सो व्हाट्सअप गाइज, माई नेम इज़ आशीष कदम, वेलकम टू माई चैनल। और मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों की मोटिवेशन को ज़िंदा रखने, आप लोगों को मोटिवेशन फिर से देने। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल फैट लॉस के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, फैट लॉस इज़ ऑल अबाउट मेंटल। ओके, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा फैट लॉस करने के लिए। फिजिकली आपको इतना पेन या फिर ऐसा जो मसल पेन होता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फैट लॉस में। इट्स ऑल अबाउट मेंटल। इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो सब एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने फैट लॉस किया है। लेट मी शो यू मैं पहले कैसा था। दिस वॉज मी फर्स्ट, और आफ्टर 3 मंथ्स दिस वॉज मी। सो इस वीडियो में मैं आपको क्या डाइट लेना है ये सब नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि फैट लॉस करने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या नॉलेज चाहिए फैट लॉस करने के लिए, ये सब चीज़ें मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़ मेटाबॉलिज्म। ओके, सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। मेटाबॉलिज्म इज़ द प्रोसेस इन विच आवर बॉडी कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। सो जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो दैट इज़ व्हाट मेटाबॉलिज्म इज़ इन सिंपल टर्म्स। द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी विच हैपेंस टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, जैसे कि एटीपी फॉर्म, ऑल द साइकिल्स, उन सब में मैं जाऊँगा नहीं बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बायोलॉजी लेक्चर। सो मैं जस्ट आपको बताऊँगा कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कैसे करते हैं, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लूजिंग वेट। जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, जिन लोगों का हाई मेटाबॉलिज्म रहता है वो लोग मोस्टली स्किनी रहते हैं, और कोई कोई लोग मस्कुलर रहते हैं थोड़े, बिकॉज ऑफ देयर मसल मास दे हैव हाई मेटाबॉलिज्म। सो वॉट एवर दे ईट दे कैन डाइजेस्ट इज वेरी वेल। ओके, और जिन लोगों का स्लो मेटाबॉलिज्म रहता है वो लोग थोड़े से हेल्दी टाइप में रहते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव स्लो मेटाबॉलिज्म, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ फैट्स इन देयर बॉडी। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कैसे करना है। दे आर 5 different steps टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। दे आर लॉट ऑफ स्टेप्स टू इंक्रीज, बट जो मेरे को लगा 5 main steps है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, व्हाट हैपन व्हेन यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, क्या होता है आपके बॉडी में? देखो, आपका मेटाबॉलिक रेट जो रहता है ना वो अराउंड 5-20% इंक्रीज होता है जब आप ज़्यादा पानी पीते हो। सो ज़्यादा मतलब कितना पीना चाहिए? सो आई सजेस्ट टू ड्रिंक अराउंड 2-3 liters ऑफ वाटर अ डे। मोस्टली इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट, ड्रिंक 3 liters ऑफ वाटर अ डे और 3.5, डोंट डू 5 and 6 liters ऑफ वाटर अ डे बिकॉज इट इज़ यूजलेस, डोंट डू दैट, इट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। आपको हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, विच इज़ अ डिसऑर्डर। वो होता है बिकॉज आपके बॉडी में जो सोडियम लेवल रहता है वो ड्रॉप हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, और इट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। सो डोंट डू दैट। ड्रिंक वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्लीप। और आपको वॉशरूम बहुत जाना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू गो, लाइक आधा जिंदगी मैंने अपने वॉशरूम में ही निकाला है बिकॉज फॉर लूजिंग वेट। दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है। सो लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ द डे, सेकेंड स्टेप, which is high intensity workout. So try to do high intensity workout when you go to the gym or when you run or when you do any extracurricular activities, okay? Because when you do high intensity workout for a short period of time, your metabolic rate increases. Don't do like 3-4 hours a day exercise and all. You don't have to do that. Do only 45 minutes of workout. Do only that, you're good to go, because your metabolic rate will increase and the food or whatever you eat throughout the day will digest faster. Okay, so when I say high intensity workout, you can do a lot of cardio in it, you can do intense weight training, because when you train your muscles it takes a lot of time to recover, and to recover it takes a lot of calories. So whatever calories, it's a loophole, because जो भी कैलोरीज तुम लोग खा रहे हो वो सब आपके मसल्स को रिपेयर करने में जा रही है। सो आपको फैट्स आपकी इंक्रीज होएगी। कम टू पॉइंट नंबर 3, विच इज़ ड्रिंक अ लॉट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। ओके, मैंने इसे लॉट ऑफ, फिर से एक्सीड नहीं करना है, अराउंड
2 to 3 cups a day. Drinking black coffee before going to workout will eventually help you to lose weight during the workout and also after the workout, because it has caffeine, and caffeine, as you all know, it is a addictive drug. So I'll suggest you guys to not get hooked on it, because बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैफीन इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज दे आर राइट. कैफीन एक्चुअली बोरोज योर टुमारोज हैप्पीनेस. सो डोंट गेट हुक्ड ऑन इट. ग्रीन टी इज़ गुड, डोंट गेट हुक्ड ऑन कैफीन. ओके, टू पॉइंट नंबर 4, विच इज़ ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन हैज़ मच हायर थर्मिक इफेक्ट ऑन योर बॉडी दैन फैट्स एंड कार्ब्स. सो जब आप प्रोटीन खाते हो ना, आपके बॉडी को बहुत सारी कैलोरीज लगती है उसको डाइजेस्ट करने में और आपके मसल्स तक पहुंचाने में. सो आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, अराउंड 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट. आपका जितना वेट रहेगा उतने ग्राम्स प्रोटीन आपको खाना पड़ेगा. लाइक मेरा वेट है अभी 85 किलोज़. सो मैं अभी प्रोटीन खा रहा हूँ अराउंड 90 के आसपास, 80 to 90 के आसपास. मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा रहा हूँ बिकॉज आई एम बल्क. सो या, इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट, you have to increase your protein and decrease all your other things like carbs, fats, everything. You have to decrease all that. The fifth step is sleep more. The more you sleep, the more your body will increase its metabolic rate. जब आप सोते हो आपका बॉडी एक मेटाबॉलिक फॉर्म में चला जाता है जिसमें आपके बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन रहते हैं. अगर वेट लूज करना है तो आप अराउंड 7 to 9 आवर्स की स्लीप ले सकते हो. Okay, so that is efficient to increase your metabolic rate, because sleep is important, guys. अगर आप सोओगे नहीं ना, तो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना वेट लूज करने के लिए, सब भाड़ में जाएगा, सब कुछ वर्क नहीं होएगा. सो प्लीज़ स्लीप, प्लीज़ गिव योर बॉडी द रेस्ट इट डिजर्व्स. सो गाइज, या ये सारे पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स ने मेरे को हेल्प किया था मेरे फैट लॉस के लिए. और एज यू कैन सी, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ केजीज थ्रू आउट 3 months. I lost around, I think so, 30 kgs. So this was the video. Hope you all like it. मेरे को अभी fan लगाना पड़ेगा because यहाँ पे गर्मी बहुत है, बाहर बारिश हो रही है. So yeah, see you. And आपको जो भी videos, informative videos चाहिए रहेंगे, please comment them down below. So मेरे को पता चलेगा कि आगे future में क्या क्या videos बनानी है. So thank you for watching. Bye.